नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो कुछ अलग टॉपिक पर है। आज के वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा शायद ही आपने कभी सुना हो या ऐसे कभी हुआ हो, तो इस वीडियो में हम ऐसे चीज को जानेंगे जो बहुत रेयर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट, तो इसमें चार चैम्बर है, तो चार चैम्बर से चार सेक्शन लाइन आता है, जो वापसी का सेक्शन लाइन है तो चार सेक्शन लाइन आता है। तो इसमें एक चैम्बर में अंदर लीक हो गया था, लीकेज हो गया था, तो उसको वैक्यूम करना था, तो वैक्यूम किया गया था। बाकी जो चैम्बर है सभी का सेक्शन वाला वाल्व है वापसी का, उसको बंद कर दिया गया था, और जिस चैम्बर में लीकेज था उसको खोलकर और वैक्यूम किया गया था। जब ऊपर का लीकेज कंप्लीट करके और जब इसे खोला गया तो जो पहला चैम्बर था ये स्पैंडल तो इसका खुल गया, लेकिन अंदर का जो सीट है, अंदर का जो डिस्क है, वो डिस्क अंदर ही बैठा रह गया, ठीक है, और ये स्पैंडल खुल गया, यानी कि ये डेड ही रहा, इधर से कोई गैस नहीं आ सकता था, तो अभी भी ये डेड है, यानी कि इसके अंदर जो इसका डिस्क है ये बैठा हुआ है। अब इसका कोई भी उपाय नहीं है कि इसको खोल कर और इसे ठीक किया जाए, क्योंकि इसके लिए ऊपर का सारा जो इवापोरेटर है उसको वैक्यूम करना पड़ेगा। तो ये जब खोलने के बाद प्लांट को चलाया गया और इस चैम्बर में भी लिक्विड जाता रहा, ठीक है, इसके इवापोरेटर में ये वैंकर है तो इसके इवापोरेटर में लिक्विड भरता रहा, और यहाँ से सेक्शन से लिक्विड आ नहीं रहा था, जो गैस है ये आ नहीं रहा था, लेकिन इसमें लिक्विड जाता रहा। ऐसा होने के बाद 2 घंटे के बाद लिक्विड को बंद कर दिया गया, क्योंकि 2 घंटे में इसका टेम्परेचर चला आता है, लेकिन जब टेम्परेचर देखने आदमी जाता है देखता है तो अंदर टेम्परेचर डाउन नहीं होता है, फिर ऊपर जाकर देखता है इवापोरेटर को देखा जाता है तो उसमें बर्फ ही नहीं है, तो फिर इसका अनुमान लगाया गया कि ये जो बंद था और इसको खोला गया तो इसका जो डिस्क है ये अंदर चिपका रह गया और केवल स्पैंडल बाहर खुल गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर आया हुआ है दूसरे चैम्बर में और इसे ये बिल्कुल सूखा है, ठीक है। इसे दोस्तों हम कैसे ठीक करेंगे, जब तक अंदर जो गैस इतना लिक्विड भरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ से डेड था और लिक्विड जाता रहा लिक्विड लाइन से, तो इसे हम कैसे खाली करेंगे, तो दोस्तों मैं इसका उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो इसको बंद कर देंगे, तो यहाँ से बंद कर दिया गया है कि बाई चांस अगर कंप्रेसर चलता रहे, अगर छोड़ दे तो अचानक कंप्रेसर पर लिक्विड आ सकता है, तो ये बंद ही रहेगा, क्योंकि ये डेड पहले से है तो इसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बाकी जो इवापोरेटर से आ रहा है सेक्शन लाइन उसको खुला रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें करना ये है कि ये है रिसीवर और रिसीवर के ऊपर इसका मेन वाल्व है लिक्विड लाइन का, तो इसे बंद कर देंगे, जो भी लिक्विड लाइन का मेन वाल्व हो उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद मानते हैं इस चैम्बर में वो वाल्व जो है ये डेड हुआ है, तो बाकी सभी को खोल देंगे, ठीक है, ये बंद करने के बाद बाकी चैम्बरों का जो लिक्विड लाइन का वाल्व खोल देंगे और ये भी खोल देंगे। तो ऐसा होगा, ऐसा करने से होगा ये कि चैम्बर से जो गैस है यहाँ से लिक्विड लाइन से होते हुए दूसरे चैम्बर में जाएगा, क्योंकि इस चैम्बर से इसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें लिक्विड जा रहा था लेकिन वापस नहीं आ रहा था, इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो खोलने के साथ ही इसमें जाना शुरू कर देगा, जो भी प्रेशर होगा गैस होगा ये इसमें जाएगा। तो मैंने यहाँ से खोल दिया है और इस वाल्व को भी बंद कर दिया है, ठीक है दोस्तों, और इसको भी मैंने खोल दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये धीरे धीरे गैस जा रहा है, अब दोस्तों अब प्रेशर ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसका प्रेशर और इन तीनों का प्रेशर सेम हो गया है। अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं और उस वाल्व को भी ठीक करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने सेक्शन को खुला रखा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 के आसपास यहाँ सेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन दोनों का सेक्शन बराबर हो गया है क्योंकि वहां से गैस नहीं जा रहा है। तो अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करके वैक्यूम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और दूसरे चैम्बर से लिक्विड लाइन के जरिए गैस को खींचते हैं। दोस्तों कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, अब लोड में आने के बाद इस गैस को खींचेंगे। फ्रेंड्स लिक्विड लाइन से जब इस चैम्बर में गैस खींचेंगे तो इतना जल्दी नहीं खींचोगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा और बहुत धीरे धीरे
यहाँ से जो गैस है यहाँ आएगा, खींच होगा, ठीक है। तो इसको वैक्यूम करने में लगभग 2 से 3 घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, तो आप पूरी तरह वीडियो देखिएगा। तो यहाँ कंप्रेसर लोड में आ चुका है, कंप्रेसर लोड में आ चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये है बैंकर कॉइल, और इसमें देख सकते हैं बिल्कुल ही सूखा है, बिल्कुल नमी नहीं है, और वैक्यूम अभी हो रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, और ये बिल्कुल ही सूखा है, देख सकते हैं बिल्कुल ही सूखा है, और इस चैम्बर का टेम्परेचर भी नहीं आया हुआ है। तो जब तक वैक्यूम नहीं होता और इसमें बर्फ दिखाई नहीं देता, तब तक इसमें लिक्विड कितना भरा हुआ है ये पता नहीं लगेगा। तो अभी तो लगता है कि लिक्विड बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए कुछ बर्फ वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। जब इसके सेक्शन 30 से नीचे आएगा इसका, तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और वैक्यूम करते हैं, इंतजार करते हैं, मशीन चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको करके और उस वाल्व को ठीक करके खोल करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों मैंने पूरे कॉइल को वैक्यूम कर दिया है, 0 वैक्यूम ला दिया है। लिक्विड लाइन के थ्रू इसे वैक्यूम करने में, इसके कॉइल को वैक्यूम करने में लगभग 4.5 घंटा से ऊपर लग गया, क्योंकि लिक्विड लाइन जो है सेक्शन लाइन की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पतला होता है, पूरी तरह गैस खींच नहीं होगा। और जब कंप्रेसर चलाएंगे तो कंप्रेसर जो सेक्शन है माइनस में चला जाएगा, वो धीरे धीरे लिक्विड लाइन के जरिए गैस आएगा, इसलिए सेक्शन लाइन मोटा होता है, क्योंकि आसानी से गैस खींच हो सके। तो लगभग 4.5 घंटा लगा है, उससे ज्यादा ही लगा है लगभग। तो ये जाकर अंदर का जो इवेपोरेटर है वो वैक्यूम हुआ है, और बाकी जो इवेपोरेटर से मैं खींच रहा था गैस को, वो सभी तीनों जो है, तीनों वाल्व को मैंने वापसी वाला बंद कर दिया है। तो इसके अंदर ऊपर वैक्यूम हो चुका है, और ये सेक्शन भी बंद कर दिया है। यहाँ जिसको जिस चैम्बर में वो डेड है वाल्व, उसका वाल्व मैंने लिक्विड लाइन का यहाँ से बंद कर दिया है, ठीक है। ये सब खुला रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से ये बंद है। तो इसके अंदर वैक्यूम हो चुका है। अब जो इस हेडर में जो प्रेशर बचा है, उस प्रेशर को मैंने देख सकते हैं कि बाल्टी में पानी देकर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही खाली हो चुका है, और इधर से ये हेडर खाली हो चुका है, और उधर से वो वैक्यूम हो चुका है, लेकिन प्रेशर थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें। तो जब ये खोलेंगे और वो निकालेंगे तो प्रेशर आएगा। इस लाइन में कोई ड्रेन वाल्व नहीं है जिसके जरिए हम प्रेशर इसमें के निकाल सके। तो चलिए मैं ऊपर बताता हूँ कि जहाँ इवेपोरेटर है बैंकर, वहाँ पर कौन सा वाल्व बंद करना है। तो दोस्तों ये जो वाल्व है ये सेक्शन में जा रहा है, मशीन की तरफ जा रहा है, तो ये वाल्व हम बंद कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 कॉइल है, तो एक कॉइल उधर है, तो उसका मैंने पहले बंद कर लिया था, और उसका लिक्विड लाइन का मेन वाल्व इसके ऊपर है, तो यहाँ से भी मैंने बंद कर लिया। देख सकते हैं कि एक ये वाल्व मैंने बंद कर लिया था वैक्यूम करने से पहले, और उधर जो वाल्व है देख सकते हैं, तो उसमें से 2 मेन वाल्व मैंने बंद कर लिया था, ताकि इसको सेपरेट रखा जा सके, ये अलग रखा जा सके, ताकि इसमें का गैस ना जाए, सिर्फ एक कॉइल के थ्रू ही गैस को खींचा जाए, ठीक है। इसमें पूरा गैस भरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो खाली हो चुका है, हमें केवल लाइन को खाली करना है। तो ये जो सेक्शन जा रहा है आगे जाकर दोनों कॉइलों का एक हो जा रहा है आगे जाकर, तो इसमें का भी गैस खींच लिया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉइल खाली है, वो कॉइल पूरा सेपरेट है, ठीक है, उसमें भरा हुआ है। तो ये भी खाली हो चुका है, और कॉइल भी खाली हो चुका है, तो ये बंद कर लेंगे ताकि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए यहाँ कॉइलों से, तो जो भी इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर होगा उधर नहीं जाए, मशीन रूम की तरफ नहीं जाए। तो दूसरे कॉइल में मैंने बंद कर लिया है पहले, अब ये बंद कर लेता हूँ। तो ये पूरी तरह बंद करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वाल्व को बंद कर लिया हूँ। अब ये जो पाइप है जो सेक्शन जा रहा है, अब इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मैंने माइनस में वैक्यूम किया था, फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है उसको, इस पाइप में ड्रेन वाल्व नहीं होता, तो मैं मशीन रूम से निकालने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों मशीन रूम में चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सेक्शन में इस हेडर का 0 प्रेशर है, और इसमें का जो प्रेशर था वो मैंने निकाल दिया है। अब इस वाल्व के हेड को खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे, ठीक है, और खोल कर इसको ठीक करेंगे, लेकिन अंदर प्रेशर हो सकता है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, तो फिर भी मैं इसे खोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं इसे। तो बहुत ये पुराना वाल्व हो गया, लगभग 30 साल पहले का ये वाल्व है, तो ये काफी जंग लग चुका है इसके बोल्ट में, इसलिए बहुत मुश्किल से खुल रहा है ये। इसमें बहुत हथौड़ी का चोट लगाया,
तब जाकर थोड़ा ये ढीला हुआ है और ये खुल रहा है, नहीं तो ये हिलता नहीं है जल्दी। ये खोल कर देखते हैं, शायद खुल जाए। दोस्तों इस बोल्ट को खोलने से पहले मैं इस पर हथौड़ी मार रहा था क्योंकि बहुत साल से जंग लगा हुआ था तो ये खुल नहीं रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि डिस्क जो है ये छोड़ दिया है, ठीक है, और प्रेशर अचानक बढ़ गया इधर की तरफ। जब मैं प्रेशर निकाल रहा था तो अचानक लगता था बढ़ गया, तो हो सकता है कि ये छोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि छोड़ ही दिया है। हमको लगता है कि अंदर से अभी छोड़ दिया है क्योंकि इस पर हथौड़ी जोर से मारा है ना, तो ये हो सकता है कि छोड़ दिया हो। लेकिन जब ये पहले मैंने इस पर बहुत चोट मारा था, यहाँ तक कि इस हेडर को माइनस में वैक्यूम करके भी इस पर चोट मारा था क्योंकि आगे प्रेशर ज्यादा था और इधर माइनस में था, तो हो सकता है निकल जाए, लेकिन नहीं निकला था। लेकिन अभी चोट मारने से हमको लग रहा है कि ये निकल गया है, फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि निकल ही गया है, लेकिन फिर भी हम खोल कर देख लेते हैं क्योंकि इसको खोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसको स्पैंडल में और डिस्क को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको खोलना जरूरी है। तो देखिए तो दोस्तों कि ये खुल गया है और इसका ये रहा, ठीक है, तो ये खुल कर फंस गया था इसके अंदर, तो देखिए तो है कि ये इसमें एक एलकी होता है तो ये खुल गया है। अब इसे हम ज्वाइन करके इसमें फिर से लगाएंगे, तो देखते हैं कि ये फंस गया था, अभी मैंने चोट मारा है थोड़ी से तो ये बाहर निकला है, हमको लगा कि प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब कि ये निकल गया है, तो अभी निकला है, तो देखते हैं कि ये दोनों को यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये डिस्क है इसका और इसको हम ऊपर कर लेते हैं इस तरह घुमाकर। इसमें एक नट होता है, बोल्ट होता है एल की, तो यहाँ पर ये शायद खुल गया है इसका बुश यहाँ से, और देख सकते हैं ये जो एल की बोल्ट है ये खुल गया है और यहाँ से ये निकल गया है, इसके जाकर फंसता है, तो देखते हैं ये अंदर चला गया है, दोनों साइड से अंदर चला गया है और ये बिल्कुल फ्री हो गया, इसलिए ये खुल गया था। बहुत साल पुराना है ये, लगभग 30 साल पहले का ये लगा हुआ वाल्व है, तो चलते चलते ये वाइब्रेशन करते करते खुल जाता है कभी कभी, तो ये डिस्क बंद करने पर फंस जाता है, फंसा रह जाता है, पता नहीं लगता, खोलने के बाद भी पता नहीं लगता और ये खतरनाक हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आसानी से ठीक कर सकते हैं, मैंने रिस्क लिया है इसको ठीक करने में क्योंकि इसमें कोई ड्रेन वाल्व नहीं है जो उसका गैस निकाल सकते हैं, प्रेशर को चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह हम इसमें टाइट कर लेंगे, देख सकते हैं टाइट कर, तो सबसे पहले इसको हम जो एल की नट है बोल्ट है उसे हम खोल लेते हैं, ये खोलने के बाद ही पता चलेगा कहाँ इसका होल आ रहा है, तो वहीं पर हम टाइट करेंगे इसको लगाकर। देख सकते हैं कि ये खुल गया है और ये खुलने के कारण ये डिस्क अलग हो गया है, तो यहाँ रख लेते हैं, इधर भी है दो होता है तो इसे भी हम खोल लेते हैं। ये बिल्कुल ही ढीला हो चुका है, देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ढीला है ये, ठीक है, इसलिए ये खुल गया है। अब ये देख सकते हैं कि इसमें जो होल है, बूश में जो होल है, उस होल को और इस डिस्क वाले में जो होल है दोनों को आपस में घुमा कर मिला देंगे टाइट करके, तो जहाँ पर टाइट होगा वहीं पर इस होल को मिला लेंगे आपस में, तो देख सकते हैं कि बूश का होल और डिस्क का होल आपस में मैच हो गया है। अब ये यहाँ पे जो एल की बोल्ट है तो इसको हम लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे अच्छी तरह, और अच्छी तरह टाइट करेंगे फिर खुले नहीं, इधर भी देख लेते हैं, इधर भी मैच हो गया है कि दोनों का अपोजिट साइड में होता है, बिल्कुल ही फिक्स आता है, तो दोनों एक जगह मिलाएंगे, एक साइड में मिलाएंगे तो दोनों मिल जाएगा, तो दोनों को हम टाइट कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा जोर भी नहीं लगा सकते हैं, बहुत पतला होता है तो ये एल की जो है ये स्लिप हो सकता है, हिसाब से टाइट करेंगे, ठीक है, इधर का भी टाइट कर लेते हैं लगाकर। तो देख सकते हैं कि इधर से बराबर हो गई है बूश और एल की भी मैंने टाइट कर दिया है। अब ये इसको सफाई करके हम लगा देंगे इसको, ठीक है, तो उसके पहले देख लेंगे कि गैस्केट ठीक है नहीं, अगर गैस्केट खराब हो तो अगर जब भी आप खोलें इस तरह का तो गैस्केट चेंज कर दें, ठीक है, तो चलिए
इसको सफाई करके इसको लगाकर गैस को छोड़ेंगे, चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसको भी सफाई कर दिया है और तेल वगैरह मैंने कंप्रेसर ऑयल को दे दिया है अच्छी तरह। इसके अंदर भी बूस के अंदर भी मैंने ऑयल दे दिया है, ठीक है। अब दोस्तों इसको भी, इसके सीट को भी हमने साफ कर लिया अच्छी तरह, देख सकते हैं। तो अब इसे हम लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह टाइट हो गया, बिल्कुल ही बढ़िया से टाइट कर दिया गया है। अब इस लाइन का जो सेक्शन लाइन है और इस हेडर का, इसमें हवा भर गया है, तो इस हवा को हम वैक्यूम कर लेंगे। वैक्यूम करके और इसमें हम गैस छोड़कर टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम वैक्यूम कर लेते हैं, उसके बाद चेकिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सेक्शन वाला वाल्व है, इसे हम खोल देंगे, ठीक है। अब मैं इसे खोल लेता हूँ, साथ में वहाँ एक्सपेंशन के पास में जो वाल्व मैंने बंद किया है लिक्विड लाइन का, उसे भी खोल देंगे और दोनों कॉइल का हम खोलेंगे। खोलकर फिर हम चेक करेंगे उसे कि लीकेज है या नहीं। तो दोस्तों इसमें प्रेशर छोड़कर और मैंने इसे चेक कर लिया है, लीकेज नहीं है। और देख सकते हैं कि इसमें प्रेशर अभी 40 है, तो लीकेज नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अब दोस्तों मैंने सभी वाल्व खोल दिया है, ऊपर से नीचे तक जितना भी था मैंने खोल दिया है। ये प्लांट बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है, अब इसे आराम से चला सकते हैं। तो क्योंकि पूरे चेंबर जो है कॉइल वैक्यूम था, इसलिए अभी मैं यहाँ से लिक्विड छोड़ रहा हूँ सभी में, थोड़ा सा खोल के लिक्विड छोड़ रहा हूँ ताकि अंदर प्रेशर हो जाए, फिर कंप्रेसर चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि वीडियो समय पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।